क्या आपने कभी कैमरे से फोटो खींचा है? हम बटन दबाते हैं और जो भी दृश्य कैमरे के आगे होता है उसका फोटो फिल्म पर आ जाता है, जिन्हें बाद में तस्वीरों में बदला जाता है। अगर मैं कहूँ कि हम सबके पास एक प्राकृतिक कैमरा है तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, ये सच है और वे प्राकृतिक कैमरा है हमारी आंखें। आपने ये अवश्य ही महसूस किया होगा, किसी भी वस्तु को ध्यान से देखने के बाद यदि आंखें बंद करते हैं तब उसकी तस्वीर कुछ क्षण के लिए हमें दिखती रहती है। आंखें बंद होने के बावजूद भी तस्वीर का दिखना कैसे मुमकिन है? ये सारा खेल हमारी आंखों और दिमाग का है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसार में किसी भी वस्तु को देखने में आंखें हमारी किस प्रकार मदद करती है और साथ ही आंखों के विभिन्न अंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंसान की आंखें मोटे तौर पर गोलीय आकार की होती है। आंख का सबसे पहला अंग होता है स्वच्छमंडल, जिसे हम कॉर्निया भी कहते हैं। स्वच्छमंडल आंख की सतह पर एक सफेद और पारदर्शी कवच होता है, जिसका काम आंखों को किसी भी तरह के हमले से बचाना होता है। पारदर्शी होने के कारण सिर्फ प्रकाश ही इसके अंदर जा सकता है। कोई भी तिनका या पलक का टूटा बाल हमारी आंख में अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्वच्छमंडल उसे सतह पर ही रोक देता है। स्वच्छमंडल के बाद दूसरा अंग होता है परितारिका, जिसे आयरिस भी कहते हैं। परितारिका आंखों का रंग बताती है। आपने देखा होगा किसी की आंखें काली तो किसी की हरी या नीली होती है। वह असल में परितारिका का ही रंग होता है। साथ ही परितारिका पुतली के साइज पर भी नियंत्रण रखती है। पुतली आंख का वह अंग है जो ये नियंत्रण रखता है कि आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। जब हम एक अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में दाखिल होते हैं तब कुछ समय तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। कम रोशनी में दिखाई देना पुतली के बड़े होने से ही मुमकिन होता है। कम रोशनी होने के कारण पुतली बड़ी हो जाती है और ज्यादा प्रकाश को आंखों में जाने के लिए जगह बनाती है, जिस वजह से हम कम रोशनी में भी देख पाते हैं। पुतली को प्यूपिल भी कहा जाता है। ये प्रकाश पुतली के जरिए लेंस से होता हुआ आंखों के पीछे की ओर स्थित एक सतह पर प्रतिबिंब बनाता है। हमारी आंखों में उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, और ये लेंस आंखों से पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये पेशियां लेंस के साइज पर नियंत्रण रखती है, जिसकी वजह से हम दूर और पास रखी वस्तुओं को फोकस करके देख पाते हैं। इन पेशियों को सिलियरी मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। आंखों की इस सतह को दृष्टिपटल या अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल आंखों में फिल्म की तरह काम करता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल में खास तरह की कोशिकाएं होती है, कोन्स और रॉड्स, जो प्रकाश के पड़ने पर सक्रिय हो जाती है। कोन्स प्रकाश से सक्रिय होते हैं, जिनकी वजह से हम अलग अलग रंगों में अंतर देख पाते हैं, और रॉड्स कम रोशनी में सक्रिय होते हैं, जिस कारण हम सब काला या सफेद दिख पाते हैं। उत्तल लेंस होने के कारण दृष्टिपटल पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो फिर हमें चीजें सीधी कैसे दिखाई देती हैं? यहाँ से दिमाग का काम शुरू होता है, जो कि आंखों से दंत्र तंत्र का या ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जुड़ा होता है। दिमाग हमें सिग्नल देता है और उल्टा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। इन अंगों के अलावा आंखों में दो तरह की फिलिंग भी होती है, एक नेत्रोथ या एक्वस ह्यूमर, जो कि एक फ्लूइड फिलिंग होती है, जिसका काम ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिशन को स्वच्छमंडल और लेंस तक पहुंचाना होता है। दूसरी टिश्यू फ्लूइड होती है काचा द्रव्य या विट्रियस ह्यूमर, जो आंखों के गोलीय आकार को बने रखने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में हमने आंखों के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों को जाना। आंखें बाहर से जितनी ही संवेदनशील होती हैं, उतनी ही अंदर से पेचीदा। और हमारे वे साथी जिनके पास आंखें नहीं होती, वे संसार में कुछ नहीं देख पाते। इसलिए हमें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमें संसार को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं।